इंक। अभी मैंने प्रिंटर को ऑन कर दिया है और प्रिंटर इनिशियलाइज हो रहा है। अभी तक मैंने इंक नहीं डाली है, आप देख सकते हैं, और ना ही कोई कार्ट्रिज इंस्टॉल करी है। सिंपली अनबॉक्स करके मैंने प्रिंटर को ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद जैसे ही आप फ्रंट कवर ओपन करेंगे, सो यहाँ पे ये आपका इंक्स की लाइट ब्लिंक करने लगेंगी। इस टाइम पे आप प्रिंटर में इंक को फिल करेंगे, राइट। ये इंक फिल करने का राइट टाइम और राइट प्रोसेस है। तो इंक फिलअप करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक कंप्लीटली फिल हो चुकी है। आपकी प्रिंटर प्रिंटेड की डिमांड कर रहा है। इस टाइम पे आप फ्रंट कवर को ओपन करेंगे और देखेंगे कि आपका जो कैरिज है वो सेंटर में आ चुका है। सेंटर में आ चुका है तो सबसे पहले आप ये जो ब्लू लैच है इसको अनलॉक करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, और ये जो प्लंजर यूनिट है इसको आप बाहर पुल कर लेंगे, और उसके बाद दोनों कलर और ब्लैक प्रिंटेड मशीन के अंदर इंस्टॉल करेंगे। और उसके साथ साथ प्रिंटेड इंस्टॉल करने के साथ आप मशीन में एक A4 साइज़ का पेपर भी लोड करेंगे। सो ये यहाँ पे हमने दोनों प्रिंटेड लगा दिए हैं। अब हम इस लैच को क्लोज़ कर देंगे और फ्रंट कवर को बंद कर देंगे। साथ ही में अगर आप देखें तो हम इसकी जो पेपर एग्जिट गाइड है उसको भी एक्सटेंड कर देंगे, और हमने पीछे एक पेपर लोड कर दिया है जो कि अलाइनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी कंट्रोल पैनल पे अब आप देख सकते हैं प्रिंटर कुछ इनिशियलाइजेशन कर रहा है। सो अप्रॉक्सीमेट 1 मिनट इनिशियलाइजेशन करने के बाद प्रिंटर ने पेपर को पिकअप किया अपने आप, और अब वो उसका अलाइनमेंट पेज प्रिंट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलाइनमेंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंटर ने अलाइनमेंट पेज प्रिंट कर दिया है, और कंट्रोल पैनल पे ये इसको स्कैनर पे रखने के लिए कह रहा है। सो मैं इस पेज को यहाँ से लेके स्कैनर का लिड ओपन करूँगा और इसको यहाँ पे इस तरीके से पेपर को स्कैनर के ऊपर रख दूँगा। पेपर को रखने के बाद ये कॉपी बटन को मैं प्रेस कर दूँगा, और उसके बाद मशीन उसको स्कैनर उसको रीड करेगा और ऑटो अलाइनमेंट मशीन में कंप्लीट हो जाएगी। जब अलाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी सो प्रिंटर इस तरीके से रेडी स्टेज में आ जाएगा। सो इट मींस आपका जो हार्डवेयर इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो गया है। दो तीन चीज़ें मैं